हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल एडवांस स्टडी हब में। दोस्तों, आज का ये जो अपडेट रहने वाला है, इसमें हम आपको पूरी वैकेंसी टेबल बताने वाले हैं। इससे पहले हमने एक और वीडियो उसका कवर किया रखा था, और देखिए शॉर्ट एडवर्टीजमेंट आया था, और मैंने उस वीडियो में बताया था कि जैसे ही फुल एडवर्टीजमेंट मीन्स फुल विज्ञापन जारी किया जाएगा वेबसाइट पे, तो मैं आपके लिए एक अपडेट लेकर आऊंगा। तो ये अपडेट उसी से जुड़ा हुआ है, और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में वैकेंसीज आई हुई हैं, और रावत भाटा जो साइट है राजस्थान के अंतर्गत, यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। जितनी भी वैकेंसीज यहाँ पे हैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, तो आप लोगों को यहाँ पे इस फॉर्म को यहाँ पे फिल करना चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये जो चैनल है यूट्यूब चैनल मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई सारी जानकारी देता है। जो भी भर्तियाँ जो आती हैं सरकारी भर्तियाँ, हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं और इनके बारे में जानकारी बिल्कुल देते हैं। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे भेजना है, और इसके चालू हो चुके हैं फॉर्म मीन 17 अक्टूबर 2019 से 6 नवंबर 2019 तक आप लोग इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हैं रात के 12 बजे तक। तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इसमें मांगा जा रहा है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है। और ये देखिए, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई सारी वैकेंसीज हैं। सबसे पहले देख पा रहे हैं आप लोग नर्स की वैकेंसीज हैं यहाँ पे, ठीक है। पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन की है, फार्मासिस्ट के लिए है, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए है, और यहाँ पे देखिए कुछ और टेक्नीशियन के लिए भी है। और साथ ही साथ देखिए असिस्टेंट ग्रेड वन की भी अलग अलग पोस्ट रखी गई है डिपार्टमेंट वाइज, और स्टेनो और ड्राइवर, ये सारी मिला के यहाँ पे पोस्ट रखी गई है। सब में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा इसमें कितनी क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है आप लोगों को उस फॉर्म को यहाँ पे फिल करने के लिए। देखिए, एज क्राइटेरिया ये पहले वाले वीडियो में आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और इस वीडियो के अंत होते ही वो आपको नजर आ जाएगा, आप लोग उसमें देख लीजिएगा। और ये मैं दोबारा इसको यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि काफी समय हो जाएगा, और ये सारी चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको हम यहाँ पे स्किप करते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखिए, नीचे की तरफ मैं इसको और यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन निकल के आएंगी पोस्ट वाइज। देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहले नंबर की जो पोस्ट यहाँ पे रखी गई है नर्स के लिए है, और ग्रेड ए नर्स के लिए है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, मेल और फीमेल यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों को मौका मिल रहा है, और बहुत ही बढ़िया जॉब है, इसकी सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है। तो देखिए, आपको नर्स के लिए देखिए, अगर आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको क्या क्या चीजें चाहिए देखिए, और बोला गया मीन सभी कैंडिडेट इसमें आने वाले हैं, और क्वालिफिकेशन इसकी नॉर्मल रखी गई है। देखिए, नर्स अगर आप लोगों को फॉर्म भरना है तो 12th होना आपके पास यहाँ पे जरूरी है, और साथ ही साथ आपके पास नर्सिंग और मिडवाइफरी का यहाँ पे कोर्स है 3 साल का, तो आप लोग इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर पाएंगे। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन होना भी आपके पास जरूरी है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन होना यहाँ पे अनिवार्य है। अगर ये चीज आपके पास नहीं है, तो और यहाँ पे एक और चीज बोली गई है, बीएससी नर्सिंग है आपके पास, तो आप लोग इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर पाएंगे। अगर बीएससी नर्सिंग भी आपके पास नहीं है, तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है नर्सिंग ए सर्टिफिकेट विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल, ठीक है, नर्सिंग का ए ग्रेड का जो सर्टिफिकेट होता है, और साथ ही साथ उसके साथ यहाँ पे 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, तो आप लोग उस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर पाएंगे। अगर आपके पास ये भी नहीं है, तो एक चीज और यहाँ पे बोली गई है, नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3 एंड अबव फ्रॉम द आर्म फोर्सेज, अगर आपके पास इससे रिलेटेड यहाँ पे डिग्री है क्वालिफिकेशन है, तो भी आप लोग उस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर पाएंगे। तो देखिए, बहुत ही नॉर्मल सी क्वालिफिकेशन रखी गई है, इजिली तरीके से आप लोग इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर पाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो चुके हैं। दूसरे बारे में बताते हैं यहाँ पे, देखिए पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन की है, साइंटिफिक असिस्टेंट भी इसको हम बोलेंगे, बी ग्रेड पे है ये पोस्ट, और बीएससी विद नर्सिंग, बीएससी विद मिनिमम 50 मार्क्स, ठीक है, 50% मार्क्स आपके यहाँ पे होने चाहिए बीएससी में, और यहाँ पे 1 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी DMLT जिसको हम कहते हैं, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में होना अनिवार्य है, जो कि ये 60% से आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है, तो बीएससी अगर आपके पास MLT से है, मीन बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से है, तो भी आप इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर पाएंगे, और 60% होना आपके यहाँ पे अनिवार्य है। तो ये दो चीजें मैंने आपको बता दी है। इसके बाद बढ़ते हैं फार्मासिस्ट की वैकेंसी। देखिए, हायर सेकेंडरी मांगा गया है 12th क्लास, और 2 साल का यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है फार्मेसी में, और 6 मंथ की आपके पास यहाँ पे ट्रेनिंग भी होना जरूरी है, और साथ ही साथ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का हो। अब बढ़ते हैं यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन का, तो हायर सेकेंडरी मीन 10+2 मीन 12th क्लास मांगी गई है, साइंस से होना जरूरी है, और यहाँ पे 60% मार्क्स होना आपके अनिवार्य है, और 1 ईयर का आपके पास रेडियोग्राफी एक्सरे और ये सबसे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप लोग इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर पाएंगे, ठीक है। और 2 ईयर का यहाँ पे संबंधित आपके पास यहाँ पे अनुभव भी बोला जा रहा है, तो आपके पास ये है, तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा। देखिए, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट OT असिस्टेंट की जो पोस्ट है यहाँ पे ग्रेड बी की है, और 12th क्लास इसमें भी मांगा गया है, साइंस आपके पास होना जरूरी है, और 60% मार्क्स से वो क्वालिफाई होना चाहिए 12th क्लास, और 1 ईयर सर्टिफिकेट आपका मांगा जा रहा है ऑपरेशनल थिएटर असिस्टेंट, ठीक है, OT असिस्टेंट का यहाँ पे आपके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट हो, आप लोग इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर पाएंगे।
देखिए आप यहाँ पे बताते हैं असिस्टेंट ग्रेड वन की जो पोस्ट रखी गई है अलग अलग डिपार्टमेंट में है, और एचआर डिपार्टमेंट में है, फाइनेंस अकाउंट में है, और सीएनएमएम वाला ये है एक और डिपार्टमेंट, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। क्योंकि इसमें जो मांगा गया है बैचलर डिग्री है साइंस में मांगी गई है, और इसमें बैचलर डिग्री है कॉमर्स में मांगी गई है, और इसमें जो बैचलर डिग्री है ये भी यहाँ पे साइंस में मांगी गई है। और देखिए इसमें कुछ यहाँ पे कौशल के तौर पे मीन्स यहाँ पे स्किल टेस्ट आपका होगा इन अगर ये आपकी पोस्ट वगैरह रहेगी तो, ये तो बात की बात है। तो पहले आपको यहाँ पे रिटन टेस्ट क्लियर करना है, तो उसके बारे में मैं आपको अलग से अपडेट बना के दूंगा किस तरीके से आप लोगों को वहाँ पे स्किल टेस्ट वहाँ पे परफॉर्म करना है, ये सारी जानकारी आपको दूंगा। तो ये असिस्टेंट ग्रेड वन की पोस्ट है, आप सभी लोगों को ये जरूर भरनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट है, तो इसमें मांगा जा रहा है बैचलर डिग्री आपके पास होना जरूरी है, किसी भी सब्जेक्ट से हो 50% मार्क्स से होना अनिवार्य है। और देखिए चाहे आप बीई हो चाहे आप बीटेक हो, और यहाँ पे अगर आपके पास डिग्री है बैचलर डिग्री है तो आप लोग इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर पाएंगे, 50% मार्क्स से वो उत्तीर्ण होना यहाँ पे जरूरी है। कुछ यहाँ पे देखिए स्किल टेस्ट के बारे में बताया गया है, टाइपिंग आपको चाहिए है अंग्रेजी की, 80 वर्ड पर मिनट की बोली गई है, और यहाँ पे ये होना जरूरी है, ठीक है। और देखिए टाइपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट की स्पीड भी यहाँ पे होनी है, ठीक है। तो ये दो चीजें बोली है, स्टेनोग्राफी और यहाँ पे टाइपिंग, दोनों होना यहाँ पे आपको जरूरी है, तो यहाँ पे इसके बारे में बता दिया गया है। देखिए ड्राइवर की पोस्ट भी यहाँ पे रखी गई है, और ड्राइवर की पोस्ट के लिए यहाँ पे 12th क्लास मांगा गया है, और 12th क्लास के साथ साथ साइंस और केमिस्ट्री से आप लोग यहाँ पे उत्तीर्ण होना चाहिए, 50% मार्क्स आपके होना चाहिए, और आपके पास देखिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल का यहाँ पे ड्राइव करने का, और एक्सपीरियंस भी आपके पास जरूरी है आप लोगों को यहाँ पे इस फॉर्म को यहाँ पे फिल करने के लिए। अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं इसकी जो चरण रहने वाला है क्वालिफिकेशन का वो क्या रहेगा, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए इसमें एक चीज और बताई गई है, जितनी भी यहाँ पे बैचलर डिग्री मान्य की गई है असिस्टेंट ग्रेड वन के लिए, तो उनकी लिस्ट यहाँ पे नीचे दे दी गई है, और साथ ही साथ देखिए फाइनेंस और डिपार्टमेंट वाला है तो उसके बारे में भी बता दिया गया है, ठीक है। उसकी बैचलर डिग्री जितनी भी है यहाँ पे सब प्रोवाइड करा दी है, और ऐसे ही यहाँ पे जो असिस्टेंट ग्रेड वन की जो अलग डिपार्टमेंट है सीएनएमएम करके, तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे इसकी बैचलर डिग्री यहाँ पे बता दी गई है, ए से लेकर जी तक आपके पास इनमें से कोई सी भी डिग्री है आप लोग इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर पाएंगे। और देखिए इसमें आप लोगों को देख लेना है जो उसमें जो डिटेल वगैरह दी गई है, आप लोगों को उसी बेसिस पे ये फॉर्म वगैरह भरना है जो भी आपकी बैचलर डिग्री रहेगी। और देखिए इसमें कुछ ऐसी भी चीजें बताई गई हैं वो आपको जानना जरूरी है, जिसमें कि स्किल टेस्ट किस तरीके से लेना है। देखिए जितनी भी यहाँ पे ये पोस्ट है, नर्स की है, पैथोलॉजी की है, एक्सरे की है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, फार्मेसी असिस्टेंट ग्रेड वन, स्टेनोग्राफर और ड्राइवर, ठीक है, जितनी भी पोस्ट है सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगी, रिटन टेस्ट, और यहाँ पे फिर आपका कौशल परीक्षा मीन स्किल टेस्ट आपका इसके बाद लिया जाएगा, और दोनों चरण पास करने के बाद आपकी वहाँ पे बिल्कुल मेरिट बनेगी। रिटन टेस्ट जो भी होगा ओएमआर बेस्ड कंप्यूटर रहेगा, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये बताया नहीं गया है अभी, और बताया गया है मीन ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है और ये कंप्यूटर टेस्ट भी हो सकता है, मीन लैब द्वारा भी यहाँ पे आपका वहाँ पे कराया जा सकता है। देखिए ड्राइवर के लिए बोला गया है आपका फिजिकल भी टेस्ट होगा, और यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट भी होगा, और रिटन एग्जामिनेशन तो आपका यहाँ पे होगा ही होगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, आप लोगों को मैंने इसकी डिटेल भी बता दी है, और देखिए इसका जो पैटर्न रहने वाला है, गणित में इतने मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाएगा, साइंस से इतने मार्क्स का पूछा जाएगा, और जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे इतने मार्क्स का यहाँ पे पूरा पूछा जाएगा। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे ये सारी बता दी है। देखिए यहाँ पे एक बात मैं और इंक्लूड इसमें करने वाला हूँ, जितनी भी यहाँ पे पोस्ट रखी गई हैं आप सभी लोगों को अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशंस हैं, और उन्हीं क्वालिफिकेशंस के बाद से उनको अलग अलग तरीके से एग्जाम लेने वाले हैं, और सबका यहाँ पे पैटर्न अलग रहेगा एग्जाम का, और इसके बारे में पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। ये पूरा पीडीएफ आप लोगों को पढ़ लेना है अपनी अपनी स्क्रीन पर, और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जो भी आपकी पोस्ट वगैरह रहेगी, आपका एग्जाम रहेगा, और देखिए उसी हिसाब से पूरा पैटर्न पूछा जाएगा, अलग अलग पोस्ट के लिए सारा पैटर्न यहाँ पे रखा गया है, और किसी में सेक्शन वाइज यहाँ पे है, देखिए अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी सेक्शन में अलग अलग पूछे जाएंगे। तो आप लोगों की जो भी पोस्ट है आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, और देखिए आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जल्द से जल्द आपको ये फॉर्म भर के पूरा भेज देना है 6 नवंबर से पहले पहले रात के 12 बजे तक, ठीक है। तो पूरा का पूरा अपडेट मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है, और पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से भी आप लोग अपने अपने स्क्रीन पर इसको चेक कर पाएंगे। ये अपडेट आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल वगैरह है आप हमसे पूछ सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके की जितनी भी पोस्ट आ रही है स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत, ये पैरामेडिकल पोस्ट थी, सारा का सारा डिटेल हमने आपको यहाँ पे समझाई है। इसी तरीके से आगे भी अपडेट चाहते हैं तो प्लीज अभी चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी, और जितने भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी यहाँ पे सरकारी भर्ती हो, और चाहे तो थैंक यू का मैसेज भी आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।